देखिए आज हम पौधे के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के बारे में चर्चा करेंगे। किसी भी पौधे का पुष्प एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, तो हम आज पुष्प के बारे में पढ़ेंगे कि पुष्प में क्या क्या होता है। पुष्प के चार महत्वपूर्ण अंग होते हैं। पहला वाय परिपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुंकेसर और चौथा होता है स्त्रीकेसर। इस तरह से किसी पुष्प में ये चार चीजें होती हैं। इनमें देखिए इस चित्र के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई पुष्प है, बीच में होता है और इसके चारों तरफ ये पुंकेसर और ये हो गया बाहर। इस तरह से किसी भी पुष्प के ये चार महत्वपूर्ण अंग होते हैं, इसको आप ग्रंथ कह सकते हो। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है और स्त्रीकेसर क्या होता है। इनके बारे में हम अब थोड़ा विस्तार से देखें। पहला बाह्य दलपुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी वाला भाग होता है। यह आपको दिख रहा है, इसको हम बाह्य दल कहते हैं। इसका रंग हरा होता है। ये पुष्प के ग्रंथ से ही लगा हुआ भाग होता है। इनकी संख्या 4-5 के लगभग होती है। हर पुष्प में इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है, किसी में कितनी होती है संख्या, किसी में कितनी होती है। तो ये हो गया आपका बाह्य। और जब क्योंकि जब इकट्ठे होते हैं तो उसे पुंज भी कहते हैं, बाह्य दल पुंज। इसको अगर कहेंगे तो ये बाह्य दल कहलाएगा और जब इनको सामूहिक रूप से कहेंगे तो ये बाह्य दल पुंज कहलाता है। दूसरा दल पुंज, यह भी पुष्प का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। किसी भी पुष्प में अगर दल पुंज नहीं है तो वह पुष्प नहीं माना जाता है, उसको आप पुष्प नहीं कह पाएंगे। क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, इसका परागण में भी बहुत बड़ा हाथ होता है। ये बाह्य दल के जस्ट ऊपर लगा हुआ होता है। इनकी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। किसी में इनकी संख्या 4 होती है, किसी में 5 होती है, किसी में 6 होती है। इनका कार्य क्या है? एक तो इनका कार्य है पुष्प इनकी वजह से सुंदर दिखाई देता है। इन्हीं में रंग होता है, कुछ पीले फूल होते हैं तो उनका दल ही पीला होता है,
उनका रंग होता है और खुशबू इसमें जो होती है उसका काम क्या है, छोटे छोटे कीड़ों को परागण के लिए आकर्षित करना। यदि मान लीजिए एक पुष्प में से ये सब हटा दिया जाए, फल हटा दें तो क्या बचेगा? ये बचेगा। तो इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता सब नष्ट हो जाएगी और फिर कीड़े जो होते हैं छोटे छोटे जो परागण के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं वो नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी पुष्प में दल पुंज का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये दल पुंज समझे, और दल पुंज के बाद इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है केवल पुष्प को वो कीड़े मकोड़ों को परागण के लिए आकर्षित करना। इनकी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। तीसरा, ये हो गया आपका बाह्यदल, ये हो गया दल। अब तीसरा आता है पुंकेशर। को नर जननांग भी कहते हैं। बीज बनने के लिए नर जननांग और मादा जननांग की आवश्यकता होती है, तो जो पुंकेशर होते हैं वो नर जननांग कहलाते हैं। इसकी अकेली संरचना हम मतलब बना के बताते हैं आपको। एक तंतु के आकार का होता है और इसके ऊपर एक इस तरह से आकार होता है, इसे हम पराग कोष कहते हैं। इसको कहते हैं पुंज तंतु। ये जो लंबी छड़ सी होती है, पतली बहुत बारीक होती है, इसको पुंज तंतु कहते हैं और ये कहलाता है पराग कोष। पुंकेशर होता है उसके में भी दो भाग होते हैं, पुंतंतु और पराग कोष। पुंतंतु का काम केवल पराग कोष को सादे हुए रखना है और पराग कोष में ये एक पराग कोष एक बक्से जैसा होता है छोटा सा, जिसमें हजारों की संख्या में पराग कण छोटे छोटे बहुत ही छोटे छोटे इसमें मौजूद होते हैं। जब ये पराग कोष परागकण पक जाते हैं तब इसमें स्फुटन होता है, एक इस तरह से डिब्बा टाइप का होता है। जब ये पक जाता है तो ये बीच में से इस तरह से खुल जाता है और झटके से खुलता है, जिससे कि इसके जो परागकण है ये बिखर के चारों तरफ ऐसे हो जाते और कुछ इस पर भी होते। अब जब ये इसका स्फुटन हो गया तो जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, बहुत छोटे चिड़िया वगैरह या छोटे कीड़े, वो इनके ऊपर बैठते हैं और इसके जो परागकण हैं ये छोटे छोटे परागकण, और जब वही चिड़िया आती है यहां बैठती है तो वह परागकण इसके अंदर चला। तो इसका काम केवल इतना ही होता है कि परागकोशों को अपने अंदर बनाना और उनको परिपक्व करना, बस इसके बाद इनका कोई रोल नहीं होता। इसके बाद तीसरा चौथा है स्त्री के केसर। सामान्यता एक पुष्प में एक ही होती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दो या तीन या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं।
लेकिन सामान्यता ये एक पुष्प में एक ही होती है, एक ही पुष्प वाला से बना है। इसका आकार कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से इसका आकार होता है। ये ऊपर वाला भाग है, ये वर्ती कागज क्या करता है, इसका आकार होता है ऊपर वर्तिका, बीच में वर्तिका और नीचे अंडा। अब जब ये पराग कोश में से परागकण परिपक्व होकर निकलते हैं, तो जैसे यहां है मान लीजिए पराग कोश है, यहां लगा हुआ है, तो सामान्यतः जितने भी पराग कोश होते हैं परिपक्व होने पर वो झटके से फट जाते हैं, और जब झटके से फटते हैं तो इनके पराग कण चारों तरफ धुएं की तरफ फैल जाते हैं और कुछ इसमें भी रह जाते हैं। तो इनमें से कोई एक पराग कण यहां आ जाता है, यहां क्योंकि वर्तिकाल के ऊपर एक लसलसा पदार्थ लगा होता है चिकना, यहां पर चिकनाई होती है, तो जैसे ही पराग कण किसी भी माध्यम से, चाहे वो कीड़े मकोड़ों के माध्यम से हो और चाहे किसी भी माध्यम से आ जाए, यहां पर आ जाए तो इससे चिपक जाता है लसलसा जो पदार्थ होता है, और उसके बाद इसमें से एक नली सी निकलती है, वो यहां आके अंडाशय में मिल जाएगी। ये बहुत पतली होती है लेकिन अंदर से ये पोली होती है पाइप की तरह। तो इस तरह से पुष्प के चार महत्वपूर्ण भाग होते हैं, बाह्यतल कुंतल कुंकेशर और स्थलेशर। तो आज के लिए पुष्प के चार भाग, कल हम कोई नया विषय लेकर आप